अस्सलाम वालेकुम, स्कर्दू वाया कश्मीर सीरीज़ की सिक्स और लास्ट एपिसोड में खुश आमदीद। वाकेंड से शुरू होने वाले सफ़र में हम हज़ारा मोटरवे के साथ सफ़र करते हुए अबटाबाद शहर पहुँचे और वहाँ से खूबसूरत आबशारों और सब्ज़पोश पहाड़ों में दरियाए नीलम के नीले पानियों के साथ सफ़र करते हुए शारदा के करीब एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुक गए। अगले दिन हम केल पहुँचे और वहाँ से ओड़ंगकेल गाँव की सैर की और उससे अगले दिन हम इंतहाई मुश्किल ट्रैकिंग करते हुए शोंटा टॉप क्रॉस करके कश्मीर से गिलगित बल्दिस्तान में दाखिल हो गए। फिर अस्तोर से देवसाई के तिलिस्मंगेज मैदानों से होते हुए हम पहुंच गए सतपारा झील पर और आज की इस एपिसोड में हम पहुंच रहे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी स्कर्दू में। सतपारा झील से स्कर्दू का फासला तकरीबन 24 किलोमीटर है जो कि आप एक घंटे में आराम से कर लेते हैं। स्कर्दू ना सिर्फ गिलगित बल्दिस्तान का अहम तरीन जिला है बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। सियात कहें या आवारगी, स्कर्दू के बगैर अधूरी है। यहाँ पर कई एक सियाती मकामात हैं और हम इस वक्त यहाँ के सबसे आइकॉनिक प्लेस यानी शंग्रीला लेक जा रहे हैं। शहर को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम पहुंच गए हैं शंग्रीला झील। यहाँ पर एंट्री फीस अदा करना पड़ती है जो पहले शायद 500 रुपया थी और लोकल रेजिडेंस के लिए फ्री थी, लेकिन हमारे आने की खुशी में अब ये फीस 1000 रुपया कर दी गई है और लोकल रेजिडेंस को भी 500 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन अल्ताफ के ऑफिस के ताल्लुकात काम आए और हमें फ्री में एंट्री की इजाज़त मिल गई। अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं एक दफ़ा तो आप पर स्लोमो तारी हो जाता है। फितरत और हजरत इंसान के गठजोड़ से वजूद में आने वाली ये जगह खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, तो आइए इसकी सैर भी करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं। शंग्रीला लेक दरअसल ज़ीरीन कचूरा झील है, इसको लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं। शंग्रीला नाम दरअसल इस झील के किनारे तामीर होने वाले शंग्रीला रिजॉर्ट की वजह से पड़ा है। 1983 में ये रिजॉर्ट्स मरहूम मोहम्मद असलम खान अफरीदी ने बनवाए। शंग्रीला तिब्बती जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हेवन ऑन अर्थ यानी जमीन पर जन्नत। इस नाम के पीछे एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है, लेकिन आप पहले जरा इस रिजॉर्ट के साथ खड़े हुए इस जहाज को देखें क्योंकि इस जहाज का इस पूरी कहानी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हुआ यूं कि 1983 में जेम्स हिल्टन ने एक नावल लिखा जिसका नाम था लॉस्ट हॉरिजन।
नावल की कहानी के मुताबिक एक मुसाफिर तैयारा पहाड़ों में गिर जाता है, जिसमें कुछ मुसाफिर बच जाते हैं। ये मुसाफिर अपने बचाव की जंग लड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो इंतहाई खूबसूरत होती है। वहाँ तरह तरह के फूल होते हैं और फलदार दरख्त होते हैं, और वहाँ के लोग बहुत सेहतमंद और लंबी उम्र के हामिल होते हैं। नावल में उस जगह का नाम शंग्रीला दिया गया। फिर ये कहानी यूं हकीकत में बदल जाती है जब 13 अक्टूबर 1950 को ओरियन एयरलाइन का तैयारा स्कर्दू एयरपोर्ट से प्रवास भरता है, और प्रवास के 3 मिनट बाद ही उसको क्रैश लैंडिंग करना पड़ती है। खुशकिस्मती से अमला और उसके तमाम मुसाफिर बच जाते हैं, लेकिन तैयारा दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। और 1983 में जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान मरहूम पिचोरा लेक पर रिजॉर्ट बनाते हैं, तो इस तैयारे का ढांचा भी खरीद लेते हैं और मकामी लोगों की मदद से इस तैयारे को यहाँ ले आते हैं। यूं ये जगह लॉस्ट होराइज़न का शंग्रीला बन जाती है। झील का पानी इंतहाई शिफाफ है और इसमें बड़ी बड़ी ट्राउट फिशेस तैरती नजर आती हैं। यहाँ पर शिकार पर पाबंदी है, इसलिए मछलियाँ आज़ादी के साथ घूमती फिरती रहती हैं। झील के इतराफ में काफ़ी सारे रिजॉर्ट बन गए हैं, अगर जिनकी तामीर में नफासत और डिज़ाइन का बहुत ख्याल रखा गया, लेकिन फिर भी जगह की फितरती खूबसूरती ज़रूर मुतासर हुई है। बाकी झील के चारों तरफ बागात हैं, जिनमें सेब, नाशपाती, अंगूर और कई तरह के फल लगते हैं। रंग बिरंगे गुलाबों ने जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा रखे। लेकिन यहां पर रिहायश इंतहाई महंगी है, और ओवरक्राउड होने की वजह से फितरती मनाजर के शौकीन अफराद यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बहरहाल हमारे पास वैसे ही वक्त मुख्तसर था, तो थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम अपर कचूरा लेक की तरफ रवाना हो गए। कचोरा से अपर कचोरा जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आपके पास वक्त है तो पैदल ट्रैक के जरिए जाएं। ट्रैक खूबसूरत भी है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं, और अगर आपके पास वक्त की कमी है तो हमारी तरह गाड़ी पर भी जा सकते हैं। अच्छा जी, गाड़ी हमने थोड़ी पीछे पार्क कर दी है और अब पैदल झील की तरफ जा रहे हैं। छोटे झील पे रास्ता किस साइड पे है? सीधा। रश यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, और जगह जगह छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत होटल बने हुए हैं। ये देखें, गंदम की फसल की कटाई हुई पड़ी है। पंजाब में ये फसल अप्रैल में तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ जुलाई में कटाई हो रही है। वेलकम टू अपर कचोरा लेक। दो
230 फुट गहराई की हामिल ये खूबसूरत झील अभी तक हजरत इंसान की कारीगरी से महफूज है। यहाँ पर आप बोट राइड ले सकते हैं या किसी पुरसकून कोने में बैठकर चाय का कप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, कचोरा लेक एक्सप्लोर करने के बाद हमारा इरादा था कि हम अगली रात शिगर वैली जाके रुकें और कल के दिन में शिगर वैली एक्सप्लोर करें। अब इशू ये था कि ऑफिस की तरफ से भी कॉल्स आ रही थी कि फौरन रिपोर्ट करें। टारगेट हमारा ये था कि किसी तरह हमें फ़्लाइट मिल जाए और हम कल की डेट में फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद चले जाएं और इसके दरमियान हमें जो टाइम मिलता है उस दौरान हम शिगर वैली एक्सप्लोर कर लें। लेकिन इस्लामाबाद में मौसम इतना ख़राब था कि 2-3 दिन से स्कर्दू से कोई भी फ़्लाइट इस्लामाबाद नहीं जा सकी थी, तो PIA वालों ने हमें स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि अगले 2-3 दिन तक टिकट मिलने का कोई सीन नहीं है। तो हम लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए और चाय पीने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुके। अल्ताफ साहब को फिर खुबानियाँ नज़र आ गईं तो वो खुबानियाँ तोड़ के लाए और हम लोगों ने मिलकर बैठ के प्रोग्राम बनाया कि वापसी का क्या तरीका अख्तियार किया जाए। तो फाइनल ये हुआ कि अबरार हमें गिलगित छोड़ देगा और अल्ताफ ने गिलगित में अपने रिसोर्स से एक सेडान गाड़ी हमारे लिए बुक करवा दी जो हमें इस्लामाबाद छोड़ देगी। स्कर्दू से हम लोग तकरीबन 8 बजे रवाना हुए। स्कर्दू गिलगित रोड जो है ये अपनी जगह पे एक अलग दुनिया है, काफ़ी खौफनाक रोड है। अभी 80% तो ये रोड तामीर हो चुका है और कोई 20% उसके अंदर पैचेज आते हैं जो ख़राब हैं। लेकिन ये है कि रात का अंधेरा था और हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि हम कितने ख़तरनाक रोड पर सफ़र कर रहे हैं। अलबत्ता रात को जब चांद निकल आया फिर हमें दरिया गहराई में नज़र आना शुरू हुआ तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये रास्ता कितना ख़तरनाक है। एनीवे जी, रात 2 बजे हम लोग गिलगित पहुंच गए और वहाँ से तकरीबन फौरन ही हम लोग रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए। तो ये ट्रिप जो था ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमने इससे गेन किया है, ख़ास तौर पे शोंटा टॉप क्रॉस करते हुए जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये इतना ख़तरनाक था कि अगर हमें अंदाज़ा होता तो शायद हम ये काम नहीं करते। पर्टिकुलरली हम मुइज़ को कभी भी साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि वो ट्रैकिंग का बिल्कुल आदी नहीं था। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुइज़ साहब ने वापस आके जिम स्टार्ट कर दी क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि उनका फ़िटनेस लेवल क्या है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों का एक अपना इफ़ेक्ट होता है जो माइंड पे होता है, और ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन में जब रात हो जाए और आपके पास आपको रास्ता भी नहीं पता, आपके साथ गाइड भी नहीं है, तो मेंटली तौर पे आपके ऊपर काफ़ी असरात होते हैं। हमारे ऊपर भी ऐसे ही था, ख़ास तौर पे जब हम लोग टॉप से उतर रहे थे अंधेरे के अंदर और हमें रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था। तो एक दिलचस्प चीज़ ये हुई कि हमें सामने की जो पहाड़ी थी उससे हमें एक ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोशनी नज़र आना शुरू हो गई। तो हम लोग मुख्तलिफ अंदाजे लगाते रहे कि ये क्या हो सकता है। पहले तो हमने कहा शायद वहाँ पे कोई बहुत बड़ा शहर है जिसकी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, या शायद वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है जिसकी लाइट्स आ रही हैं। लेकिन एक्चुअल में सीन ये था कि वहाँ से चांद निकल रहा था और चांद का निकलना उस वक्त अगरचे हमारी मेंटली कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिस्मानी तौर पर भी हम बहुत थके हुए थे, लेकिन नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त था। चाँद की रोशनी, बर्फ़ और पहाड़ और आलम खूबसूरत था। और उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जो है हमें थोड़ा सा रास्ता नज़र आना शुरू हो गया। आगे हमें कुछ नीचे बॉटम में हम लोग मोबाइल से टॉर्च से इशारे कर रहे थे नीचे के शायद कोई नज़र आ जाए किसी को और वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए, तो जवाब में हमें रिस्पॉन्स में भी वहाँ पे कुछ लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करते हुए नज़र आई। अब हम उनकी उम्मीद के ऊपर चलते रहे, कभी गिरते कभी रुकते, जैसे तैसे करके हम लोग नीचे, जहाँ तक हमें अंदाज़ा था कि ये लाइट होगी वहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन वो लाइट फिर भी इतनी ही दूर नज़र आ रही थी जितनी ऊपर से दूर थी। आखिर मुई साहब की फरमाइश पे और थक हार के हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर के लिए हम सोने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जितने गर्म कपड़े थे, डबल डबल जैकेट पहनी, डबल ट्राउज़र शर्ट्स पहन ली और सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस जिस्म कांपना शुरू हो गए। हमें अंदाज़ा हुआ कि इतनी ठंड के अंदर सोना पॉसिबल नहीं है, तो हमने सफ़र अपना दोबारा शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कैंपिंग साइट तो थी नहीं, काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हमें लोकल लोग मिले और उसके बाद जो कहानी उन्होंने हमें सुनाई वो सुन के हमारे और जो है, लेकिन शुक्र है कि हम टॉप क्रॉस कर चुके थे। जब उन्होंने हमें कहा ना कि आपने वहाँ पे टॉप पे कब्र देखी थी और वहाँ पे फातिहा पड़ी थी, तो हमने कहा भाई कौन सी कब्र? तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से एक टूरिस्ट आया था और अकेला टॉप पर चला गया कि मैं इसको क्रॉस करता हूँ, उसको वहाँ पर रात हो गई
और उस अल्लाह के बंदे ने आगे जाने के बजाय वहीं पर रात गुजारने का फ़ैसला किया और ठंड की वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैकर हैं तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मशवरा ये है कि आप अपना टेंट साथ रखें, और अगर आप शोंटर वैली की तरफ से आते हैं तो जहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, बहुत अच्छी कैंपिंग साइट है, वहाँ पे नाइट स्टे करें और दूसरे दिन फ्रेश होकर सुकून से टॉप क्रॉस करें। दूसरी तरफ आकर एक और नाइट स्टे करें, क्योंकि दूसरी साइड पे यानी कि सोर साइड भी बहुत प्यारी जगह है। बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये अगर आप एक दफ़ा जाएंगे तो आपको पसंद आएगी ये जगह। तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई होगी। ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के अंदर। चैनल के ऊपर आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये एडमिन के लिए छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो खुशियाँ बाँटते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, पाकिस्तान से प्यार करते रहें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर। जाते जाते हमारे वापसी की सफ़र में बाबूसर टॉप और लोलोसर टॉप के नज़ारे आप इंजॉय करें।